नमस्ते साथियों, ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा जो कि संपन्न हो चुकी है और उसके रिजल्ट और जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता है उसके संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र जारी किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पत्र को। तो साथियों, इसमें जो जानकारी दी गई है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा परिणाम से संबंधित और साथ ही जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता है इस संबंध में इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, इस पत्र की जो विषय वस्तु है, जैसा कि आप पत्र को यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि प्रश्न मंच हिंदी अंग्रेजी विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड सत्र 2022-23 के संबंध में ये पत्र में कहा गया है। आगे जो विवरण है, तो विवरण में कहा गया है कि उपर्युक्त संदर्भित विषय में लेख है कि सत्र 2022-23 में प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 8 के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड अंतर्गत जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 19 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ है। जन शिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता में जिलेवार विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नानुसार है। साथियों, पत्र में आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर पूरे जिलों में बच्चों की उपस्थिति के संदर्भ में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जिला सिवनी है वो टॉप पर है, और पिछले वीडियो में भी हमने इस बारे में बताने का प्रयास किया था। ठीक है, 97.5% जो है विद्यार्थी वो उपस्थित हुए थे सिवनी जिले से। तो साथियों, ये बड़े गौरव की बात है सिवनी जिले वासियों के लिए और हमारे स्वयं के लिए। ठीक है, और आगे देखिएगा जो अगले इसमें आप देख पा रहे हैं पत्र में यहाँ पर कि जन शिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता का परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जाएगा, यानी जो परिणाम है बहुत शीघ्र आने वाला है। और यह पत्र आज जारी किया गया 6 जनवरी को, और शीघ्र ही परिणाम आ जाएगा। और आगे कहा गया है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों में से प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र से निम्नानुसार विद्यार्थी जिला स्तर की प्रतियोगिता में सहभागिता करेंगे, और यह बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे साथियों, थोड़ा जूम करके आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 खंड दिए गए हैं, क्रमांक, स्तर और प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र से चयनित प्रतिभागियों की संख्या। तो कक्षा 2 और 3 के लिए 4 विद्यार्थी जन शिक्षा केंद्र से चयनित होकर जिला स्तर पर जाएंगे। इसी तरह से कक्षा 4 और 5 के भी 4 विद्यार्थी चयनित होकर के जिला स्तर पर जाएंगे, परीक्षा में भाग लेंगे। और कक्षा 6 से जो 8 है, यानी कक्षा 6, 7 और 8, इसमें प्रश्न मंच के लिए, यानी प्रश्न मंच जो हुआ था उसमें यदि जो मतलब ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं जो मेरिट सूची के अनुसार, तो उनमें 4 विद्यार्थी, इसी तरह से हिंदी के लिए 4 विद्यार्थी, अंग्रेजी के लिए 4 विद्यार्थी, विज्ञान के लिए 4 विद्यार्थी और गणित के लिए 4 विद्यार्थी। तो इस तरह अगर हम देखें तो कक्षा 2 से 8 तक के लिए कुल 28 प्रतिभागी एक जन शिक्षा केंद्र से जिला स्तर की परीक्षा के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बात है। और जिन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या जिसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ऐसे विद्यार्थियों को तैयारी करने के साथ साथ जिला स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में भी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। आगे कहा गया कि जन शिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित विद्यार्थियों हेतु कक्षा 2 से 5 के लिए अंग्रेजी तथा कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न मंच हिंदी अंग्रेजी विज्ञान और गणित विषयों की उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे उत्तर कुंजी की चर्चा करेंगे, ये उत्तर कुंजी है। ठीक है, तो ये उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई गई है। तो उत्तर कुंजी के आधार पर जिला स्तर की प्रतियोगिता हेतु विद्यार्थियों को अभ्यास करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करें, यानी जो भी शिक्षक साथी जो तैयारी करवा रहे हैं तो उनको निर्देशित करने के लिए कहा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये उत्तर कुंजी, और साथियों पिछले बार में भी हमने आप लोगों को उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई थी, आप चाहे उसको भी देख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं उत्तर कुंजी, ठीक है, इससे मिलान कर सकते हैं कि कौन से सही उत्तर है जो अभी 19 जनवरी का जो पेपर हुआ है उस प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 2 और 3 के लिए उत्तर कुंजी दिखाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, यहाँ पूरे उत्तर दिए गए हैं। इसी तरह से आगे हम देखें कक्षा 4 और 5 के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से 30 तक पूरे उत्तर उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, और आगे हम बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उत्तर उपलब्ध कराए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पूरे उत्तर जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये उत्तर उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, कुल 100 प्रश्नों के लिए। तो यहाँ पर आप प्रश्नों के उत्तरों को देख पा रहे हैं। इसके अलावा
व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर पीडीएफ के माध्यम से भी यह जो पत्र है उपलब्ध है, या एजुकेशन पोर्टल पर भी यह पत्र उपलब्ध है, आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।